चलो तो फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द लूप ऑफ द कर आर स्क्र इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस्टूटिटा तो बच्चों कैसे करेंगे हम लोग ध्यान से सुनो सबसे पहले इस कर को ट्रेस करना पड़ेगा ये बच्चों मैं आपको पहले ही बता देता हूं ये लेमनिस्केट है लेमनिस्केट कैसे दिखते हैं शेप दंबल शेप ऐसे डम्बेल शेप रहते हैं ओके okay? ये सीमेट्रिक अबाउट एक्सिस भी रहते हैं के अबाउट वाई एक्सिस लेकिन ये अभी आपको अनुभव नहीं है ऐसा ओरली करने का ठीक है वो अनुभव आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा तो बच्चों ये एक तरह का पोलर कवर है पोलर कवर ट्रेस करने के लिए मैंने ट्रिक क्या दिए है यस सोने का पत्रा सोने का पत्रा सोने का मतलब सिमेट्री फिर उसके बाद में क्या आता है सिमेट्री के बाद में पोल 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 फिर क्या आता है टेबल टेबल पी टी आर आर मतलब रीजन ऑफ एबसेंस रीजन ऑफ एबसेंस फिर उसके बाद में कौन रहता है एंगल फाइव लेकिन इतने सारे जरूरत नहीं कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ये किसका समय बच्चों सेंट्रोइड का समय सेंट्रोइड के समय ये सारे पॉइंट्स लिखना कोई जरूरत नहीं आप सिर्फ कर बना सको इतना लिखे तो भी सफिशियंट है जैसे मैं आपको बता देता हूं सिमेट्री ये कर किसको सिमेट्री के कैसे चेक होता है रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा इक्वेशन कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या रहता है कॉस्ट थीटा कॉस ऑफ माइनस टू थीटा कॉस्ट टू थीटा इक्वेशन रिमेन अनचेंज ये इंडिकेट कर रहा है सिमेट्रिक अबाउट बोलिए थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री लाइन यानी एक्स एक्सिस ये रहता है थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री लाइन उसके बाद में इफ आई रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा एंड आर बाय माइनस आर अगेन आर बाय माइनस आर किया तो माइनस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस ऑफ माइनस टू थीटा क्या रहता है कॉस टू थीटा अगेन इक्वेशन रिमेन अनचेंज देर फॉर सीमेट्रिक अबाउट सीमेट्रिक अबाउट बोलो थीटा इक्वल टू पाई बाय टू लाइन तो ये सिर्फ सीमेट्रिका है तो ये डिस्क्रिप्शन लिखा नहीं तो भी कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं आपका कर आपको प्लेस करने आना चाहिए तो कैसे करेंगे टेबल के लिए बोलो बेटा कौन रहेगाटा और नीचे कौन आर बस टेबल मात्र से कर ट्रेस हो जाएगा टीटा के अलग अलग वैल्यूज़ बोलो कौन सी कौन सी लेनी चाहिए जीरो डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री नाइन्टी डिग्री वन थर्टी फाइव डिग्री वन एटी डिग्री ज़ीरो फोर्टी फाइव बोलो नाइंटी वन थर्टी फाइ वन एटी तो आप कोशिश कीजिएगा आंसर बताने का ओके तो ज़ीरो डिग्री डालेंगे कॉस टू इंटू ज़ीरो टू इंटू ज़ीरो ज़ीरो है कॉस जीरो का वैल्यू क्या आता है बेटा वन तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर याने आर की वैल्यू क्या आ गई ए फोर्टी फाइव डाला टू इंटू फोर्टी फाइव नाइन्टी कॉस नाइन्टी इज जीरो जीरो इंटू कुछ भी कर लो जीरो नवे नाइल पुट नाइनटी टू इंटू नाइन टू वन एटी कॉस ऑफ वन एट इज वाट माइनस वन माइनस वन इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये जो है बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी इमेजिनरी ऐसा क्यों इमेजिनरी क्यों क्योंकि आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है माइनस ए स्क्वायर याने आर क्या है अंडर उ स्क्वायर अंडर कॉम्प्लेक्स तो इसलिए इमेजिनरी तो so, यही रीजन ऑफ एब्सेंस भी होगा तो रीजन ऑफ एब्सेंस कौन से जोन में बच्चा चीटा इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री से लेके नाइन्टी डिग्री तक कौन सा रीजन है रीजन ऑफ एब्सेंस रीजन ऑफ एब्सेंस मतलब उस जोन में बच्चा कौर लाई करता नहीं देखो फोर्टी फाइव डिग्री से लेके क्या तक 45 डिग्री से तक 135 135 के बीच में कर्व करेगा? नहीं, ऐसा इसका है। फिर फिर पे डालो, 2 तो आया। तो इस तरह से बच्चों एकदम शॉर्ट में जितना छोटा हो सके उतना छोटा एक्सप्लेनेशन दे के तुरंत कर्व को बना देना चाहिए तो कर्व में बना देता हूँ ये लाइंस ड्रॉ कर दी है 45 लगना चाहिए यस दिस इज 45 वेरी गुड अब बच्चों प्लेस कर देते हैं थीटा इक्वल टू तो जीरो डिग्री के लिए क्या है ए है तो मान लो यहाँ से यहाँ तक है. ए है ये थीटा इक्वल टू तो कितना है जीरो डिग्री फिर थीटा इक्वल टू फोर्टी फाइव डिग्री के लिए कितना है जीरो है फिर थीटा इक्वल टू तो ये कौन है नाइन्टी डिग्री थीटा इक्वल टू ये कौन है वन थर्टी फाइव वन थर्टी फाइव के लिए कितना है फिर से जीरो है फिर वन एट्टी डिग्री के लिए ए है तो ए डिस्टेंस उतना ही होना चाहिए जितना यहाँ पे था यस इसको ऐसे लूप से क्लोज कर देंगे सही है ओके अब ये सीमेंट्रिक अबाउट इक्वल टू जीरो डिग्री लाइन है तो ये नीचे भी सेम आएगा सही से है नीचे भी सेम आएगा ये लेमनी स्केट है इसको बर्नॉलीज ऑफ लेमनी स्केट भी कहा तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं अब इसका लूप मैं ले लेता हूँ बच्चों इसको कौन सा स्ट्रिप लेना पड़ेगा अगर सॉल्व करना है तो पोलर स्ट्रिप या फिर रेडियल स्ट्रिप हम जिसको कहते हैं ओके तो बच्चों में काम कर ला क्लियरली सी जी ऑफ वन लूप लाइज ऑन एक्स एक्सिस ये जो लूप है बच्चों ये लूप में शेडेड कर देता हूं आपके लिए ये देखो ये लूप है वो उसने क्या कहा फाइंड सेंड्रॉइड ऑफ द लूप ऑफ द कर इस लूप का सेंड्रॉयड कहाँ पे लाई करेगा बेटा ऑन एक्स एक्सिस क्लियरली दिखाई दे रहा है आंखों को कि सी जी यहाँ पे कहीं तो भी लाई करेगा बराबर है ओके okay. जैसे स्क्वायर का सेंट्रोइड का लाई करता है ऐसे पे पे सेंटर पे। वैसे या इसका सेंट्रोइड एक्स एक्सिस पे लाइ करेगा ये नजरों को समझ में आ रहा है तो क्लियरली सीजी ऑफ द एरिया ऑफ वन लूप लाइज ऑन एक्स एक्सिस क्या जीरो रहता है वाई बार तो मैं लिखता हूं स्टेप वन क्लियरली सीजी ऑफ वन लूप लाइज ऑन एक्स एक्सिस axis CG ऑफ वन लूप लाइज ऑन एक्स एक्सिस दैट इज theta इक्वल टू zero डिग्री लाइन Thus, y बार इज हाउ मच बेटा y बार इज what? जीरो y बार जीरो है मतलब हमें क्या फाइंड करना है सिर्फ x बार ओके okay. तो x बार find करने के लिए formula में लिख के देता हूँ नेक्स्ट पेज ले लू तो इस स्लाइड को मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि डायग्राम की मुझे ज़रूरत पड़ेगी ओके डायग्राम की जरूरत पड़ेगी ये पार्ट मैं इरेज कर देता हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं ओके चलो अरे ठीक है ठीक है ये किसका इक्वेशन है इस कर का इक्वेशन है स्क का इक्वेशन है इधर देता हूँ। आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा ओके चलो तो यानी आर क्या हो गया अंडर रुट ऑफ ए स्क्वायर कॉस टू टीटा ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू टीटा है तो आर क्या हो गया अंडर रुट ऑफ ए स्क्वायर कॉस टू थीटा यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आएगी जीरो तो रेडियल स्ट्रिप में आर की वैल्यू कहाँ से कहा तक है जीरो से लेके आर की वैल्यू का तक है अंडर उट ऑफ ए स्क्वायर कॉस टू थीटा तक ये स्ट्रिप कहाँ से कहा मूव करेगी टीटा इक्वल टू बोलिए बच्चों माइनस फाइव बाई फोर से लेके फाइव बाई फोर माइनस फाइव बाई फोर से लेके फाइव बाई फोर तक अप्लाई करेगी या फिर आप ये सिमेट्रिक है ना तो आप क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन को टू से मल्टीप्लाई कर सकते हैं जीरो टू फाइव बाई फोर किया तो भी चलेगा सही बच्चों चलो हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर ये स्टेप वन तक हो गया हमारा अब स्टेप नंबर टू करते हैं स्टेप टू स्टेप टू में एक्स बार फाइन करेंगे बोलिए स्टेप टू हाउ इट इज गोइंग टू बी एक्स बार बोलिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन डबल इंटीग्रेशन ऑफ नीचे क्या चाहिए dx dy एरिया है ना तो ये फॉर्मूला आएगा चेक कर लेना प्लेन लैमिना के लिए फॉर्मूला क्या रहता है dx dy अब यहाँ पे बच्चों रेडियल स्ट्रिप यूज कर रहा हूँ तो सब्सटीट्यूशन स्टैंडर्ड होंगे सब्सिट्यूशन कैसे होंगे बोलो x इक्वल टू आर कॉसा वाई इक्वल टू आर साइन थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड डी एक्स डी वाई की जगह पे बोलो आर डी आर डी ठीटा सही है चलो हम काम चालू कर देते बच्चों इधर बताओ इंटीग्रेशन नीचे भी क्या है इंटीग्रेशन इनर लिमिट्स किसके हैं आर के आउटर लिमिट्स किसके थीटा इनर लिमिट्स आर के लिए आउटर लिमिट्स थीटा के लिए अभी अभी हमारा डिस्कशन हुआ थीटा का से क्या था माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई, पाई बाय फोर मैं यहाँ पे मैंशन कर देता हूँ थीटा की वैल्यू से क्या था माइनस पाई बाय फोर माइनस पाई बाय फोर मतलब माइनस फोर्टी फाइव डिग्री और थीटा इक्वल टू कहा तक पाई बाय फोर यानी प्लस फोर्टी फाइव डिग्री तक ओके चलो माइनस फाइव बाय फोर से लेके फाइव बाय फोर तक माइनस फाइव बाय फोर से लेके फाइव बाय फोर तक आर की वैल्यू जीरो से लेके जीरो से लेके अंडर रूट ए थीटा ऊपर कॉस टू थीटा है ना कॉस टू थीटा इधर भी अंडर रुट ऑफ ए स्क्वायर कॉस टू थीटा अब यहाँ पे नीचे आर इक्वल टू जीरो एक्स की जगह पे क्या डालू बोलो बच्चा एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा आर कॉसा डी एक्स डी वाई की जगह पे क्या डालू आर डी आर डी टी टा आर डी आर डी इधर डी एक्स डी वाई की जगह पे आर डी आर डी टीटा सही है ओके तो ये मेंशन कर दिया हमने एक काम हो गया हमारा इस पार्ट का भी कोई जरूरत नहीं ये ड्राइंग में इरेस कर देता हूँ ओके पीछे इसमें ड्राइंग निकाला हुआ है इसी बात को दिखाने के लिए मैंने बनाया हुआ था इसको डिलीट कर दिया जाए अभी देखो पिछले इसमें निकाला हुआ है सिर्फ यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ आपके लिए सीक्वेंस होना चाहिए इसलिए ये आर इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक है बोलो आर इक्वल टू जीरो से लेके ये क्या था आर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस टू थीटा था इसलिए आर का वैल्यू क्या लिया अंडरूट ए स्क्वायर कॉस टू ठीठा या थीटा की का का तक की वैल्यू कहाँ से तक माइनस फाइव फोर से लेके फाइव बाई फोर तो ऐसा सीक्वेंस रहेगा स्टेप वन ओके okay, यहाँ पे क्या चाहिए था बेटा स्टेप टू उसके बाद में यहाँ पे कौन चाहिए था स्टेप थ्री ओके अब ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने पे एक्स बार आ जाएगा वाई बार ऑलरेडी पता है जीरो तो फाइनल आंसर आ जाएगा ओके okay, चलो हम काम चालू कर देते बोलो आर इंटू आर आर स्क्वायर यहाँ पे बच्चों कैसे रहेगा अब देखो माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर है उसको मैं जीरो तो टू पाई बाय फोर में कन्वर्ट कर सकता हूँ उसको मैं जीरो टू पाई बाय फोर में कन्वर्ट कर सकता हूँ वो मैं करूँगा आगे आने वाले स्टेप्स में करूँगा ओके gotcha. okay? तो फिलहाल माइनस पाई बाय फोर टू पाई बाय फोर हम रहने देते माइनस फाइव बाई फोर टू फाइव बाई फोर रहने देते हैं माइनस फाइव फोर से लेके कर फाइव फोर रहने देते हैं यहाँ पे आर की वैल्यू कहाँ से तक है जीरो से लेके बोलो अंडर उट ऑफ ए स्क्वायर कॉस टू तक है R R क्या है R square, cos है DR, है और नीचे क्या है जीरो से लेके अंडर डी थीटा है चलो बच्चों अब इंटीग्रेशन कर देते हैं इंटीग्रेशन कहाँ से कहते हैं माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर ओके आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या रहेगा आर क्यूब अपॉन लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेके अंडर थीटा। ये कॉस टीटा जो है वो कांस्टेंट रहेगा उसको बाहर ले लेते हैं इनटू यहाँ पे क्या रहेगा डी टीटा बच्चों नीचे क्या करेंगे बोलो माइनस पाई बाय फोर से लेके पाई बाय फोर बोलो बच्चा आर का इंटीग्रेशन आर लिमिट्स जीरो से लेके अंडर उठा इन टू डी थीटा ये अंडरस्टैंड हो रहा है अब अपर लिमिट अप्लाई कर देते बेटा अप्लाई करने से पहले ये वन बाई थ्री कॉन्सटेंट है उसको बाहर ले लेते हैं यहाँ पे कौन कॉन्सटेंट है वन बाई टू कॉन्सटेंट है उसको बाहर ले लेते हैं ओके और यहाँ पे क्या है माइनस पाई बाई फोर से लेके पाई फाइव बाई फोर यहाँ पे माइनस पाई बाई फोर से लेके क्या पाई बाय फोर चलो अपर लिमिट डाल देते डाल दो हाँ आर क्यूब के लिए कैसे रहेगा बोलो स्क्वायर रूट है स्क्वायर रूट मतलब पावर क्या हो जाएगा अभी पावर थ्री बाय टू हो जाएगा सही है तो यहाँ पे ऊपर डाल देता हूँ अंडर रूट है मतलब रेस टू हाफ हाफ इंटू थ्री थ्री बाय टू थ्री बाय टू माइनस लोअर लिमिट क्या है जीरो तो लोअर लिमिट लिखने की जरूरत नहीं तो इनटू डायरेक्टली क्या लिखो डी आगे okay, यहाँ पे भी अपर लिमिट डालूंगा तो अंडर रूट और स्क्वायर हट जाएगा सिर्फ क्या बचेगा बेटा ए स्क्वायर कॉस टू थीटा, थीटा। इन डी थीटा अब बच्चों कॉस 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 ऊपर भी है कॉस नीचे भी इट इज इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन इवन फंक्शन तो माइनस पाई बाय फोर टू तो पाई बाय फोर है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग बोलो दो मिनट बोलिए न्यूमरेटर में कॉस्ट टू थीटा कैसे आया है सर हाँ यहाँ पे क्या रह गया अच्छा हाँ कॉस्ट थीटा लिखना रह गया यस 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 कॉस्ट थीटा लिखना रह गया अब ठीक है ओके okay. अब ये न्यूमरेटर जो है इवन फंक्शन है तो हम ये भी इवन फंक्शन है तो इवन फंक्शन है तो हम क्या कर सकते हैं ये वन बाई थ्री देखो वन बाई थ्री का थ्री नीचे आ जाएगा वन बाई टू का टू नीचे ऊपर आएगा सही है यहाँ पे क्या करो टू कॉमन लिमिट्स कहा से कहा तक जीरो टू पाई बाय फोर नीचे भी बोलो टू कॉमन जीरो टू पाई बाय फोर सही है ओके okay, चलो अब क्या होगा कॉस थीटा एज इट इज ए स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू यहाँ पे क्या लिखू मैं ए स्क्वायर रेस टू थ्री बाई टू इन टू कॉस रेस टू बोलो थ्री बाई टू टू थीटा डी थीटा सही है ओके okay, नीचे क्या रहेगा ए स्क्वायर एज इट इज कॉस टू थीटा इन डी थीटा अब बच्चों यहाँ पे पावर का खेल ये स्क्वायर और बाय टू कैंसल ऊपर क्या है ए क्यूब नीचे क्या है ए स्क्वायर ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर क्या रहता है ए तो यहाँ पे यहाँ पे भी देखो टू टू कैंसल टू बाई थ्री और बाहर कौन आएगा ए कॉमन आएगा ओके चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कॉपी कर लिया और रिमेनिंग स्टेप्स डिलीट कर देता हूं तो इसके बाद में इसके बाद में यहां पे कैसे आएगा बोलो बच्चा टू बाय थ्री ए बाहर इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय फोर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय फोर सही है ओके ओके कॉस टू थीटा को कॉस टू थीटा जो है बच्चों कॉस टू थीटा को मैं सब्सटीट्यूशन करने वाला हूँ कॉस्ट थीटा एज इट इज कॉस टू थीटा के कॉस टू थीटा के लिए वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कॉस टू थीटा के लिए क्या लिए सकते? 1 -2 लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं तो कॉस टू थीटा के लिए वन माइनस टू साइंस स्क्वायर टीटा कौन है थ्री बाय टू क्या है डी थीटा है ओके okay? नीचे भी इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव बाय फोर बोलो बच्चों कॉस्ट टू थीटा उसके लिए क्या लिखूंगा वन माइनस टू या फिर इसके लिए सब्सिट्यूशन की जरूरत नहीं क्योंकि कॉस टू थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं तो कर दू डायरेक्ट इंटीग्रेशन बोलो कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय टू लिमिट्स कहां से कहा तक है जीरो से लेके पाई बाय फोर तक है हो गया अच्छा मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ ये टू टू क्या हो गए कैंसिल टू डिवाइड बाय थ्री देखा फिर यहां पे कौन है ए क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर ए क्यूब डिवाइड बाई ए स्क्वायर क्या आएगा ओनली ए बिंग कॉन्स्टेंट उसको बाहर ले लिया टू ए बाई थ्री समझा फिर इंटीग्रेशन जीरो बाई फोर कॉस्ट ठीटा है एज इट इज कॉस्ट टू थीटा के लिए क्या लिखा है यस yes. आपको ये ऐसा अजीब लग रहा है तो मैं इसको थोड़ा अच्छा 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 लिखता हूँ रुको दो मिनट कुछ बच्चे डर जाता है ऐसा देख के मैम को लिए ऐसा लिख देता दो कॉस टू थीटा रेस टू कौन है थ्री बाई टू हाँ कॉस्ट टू डीटा के लिए क्या लिखा वन माइनस टू साइन स्क्वायर डीटा इधर इंटीग्रेशन किसका लिया है कॉस्ट टू थीटा कॉस्ट टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या है साइन टू थीटा डिवाइड बाई टू आर यू सैटिस्फाइड विद दिस यस अब देखो टू ए बाई थ्री एज इट इज ये नीचे का टू बाहर जाएगा तो कैसे रहेगा ए डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर विल मूव टू तो, न्यूमरेटर मरेटर समझा ये टू का गया ऊपर अब नीचे कॉस ये साइन टू इंटू बोलो बेटा पाई बाय फोर टू इंटू पाई बाय फोर क्या होता है पाई बाय टू होता है माइनस साइन टू इंटू जीरो यानी क्या होता है जीरो टू इंटू पाई बाय फोर क्या होता है पाई बाय टू साइन पाई बाय टू क्या होता है बोलो साइन पाई बाय टू वन और साइन जीरो क्या होता है जीरो तो फोर ए अपॉन थ्री नीचे कौन है बेटा वन माइनस जीरो

क्या कह रहा हूं मैं पुट टू साइन स्क्वायर टीटा इक्वल टू वाट साइन स्क्वायर टी सही है ओके okay. ऐसा करने से क्या होगा यहां पे कौन आ जाएगा साइंस स्क्टी वन माइनस क्या होता है बेटा कॉस है ना तो cos square t आएगा थ्री बाय टू और कॉसक्वा टू टू कैंसल कॉस क्यूब टी हो जाएगा तो वो सॉल्व करने में आसानी होगी ऐसा मेरा लॉजिक है टू साइंस स्क्वायर टीटा के लिए क्या पुट करना है साइंस स्क्वायर टी तो ये क्या इंप्लाई करता है बच्चों अंडर रूट ऑफ टू साइन टीटा इक्वल टू वाट साइन टी मैंने क्या लिया है सिर्फ दोनों तरफ क्या लिया है स्क्वायर रूट उसके बाद मैं डेरिवेटिव ले, ले लेता हूँ रूट टू एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या रहता है थीटा डी थीटा और साइन टी का डेरिवेटिव क्या रहता है कॉस्टी डी टी तो मेरे पास थीटा डी थीटा है ना

और यहां पे कौन है बोलो वन माइनस साइंस स्क्वायर टी अरे देखना टू साइंस स्क्वायर टी के लिए क्या लिखा साइन स्क्वायर टी अब सही है ओके वन माइनस साइन स्क्वायर टी रेस टू क्या है थ्री बाय टू यहाँ पे देखो जीरो टू फाइव बाय फोर वन माइनस साइन स्क्वायर टी क्या है कॉस्क्वायर टी रेस टू कौन है थ्री बाय टू ये रूट टू कहा जाएगा बाहर न्यूमरेटर जीरो टूट गो टू डिनोमिनेटर वन अपॉन रूट टू सही है ये न्यूमेरेटर का डिनोमेटर है रूट टू तो कहा जाएगा डिनोमेटर ओके okay. और यहाँ पे कौन रहेगा कॉस्टी डी टी इज इट ओके चलो ये पार्ट मैं डिलीट कर देता हूँ अब यहाँ पे क्या रहेगा बच्चा फोर ए अपॉन थ्री रूट टू सही है आगे okay. नीचे कौन है वन माइनस जीरो वन ही रहता है तो उसका कोई जरूरत नहीं इधर भी बोलो ये पावर थ्री बाई टू है और इधर कॉस डी तो ये टू ये टू क्या हो गया कैंसिल समझता है ओके तो क्या रहेगा कॉस क्यूब टी इन कॉस टी कॉस रेस टू फोर टी तो इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव बाय फोर बोलो बच्चों कॉस रेस टू फोर्टी डी सही है लेट मी चेक यस कॉस रेस टू फोर्टी डी अच्छा एक काम रह गया मैंने लिमिट्स तो चेंज किए ये तो चेंज किए लेकिन लिमिट्स चेंज करना रह गया ना मेरा तो शायद लिमिट्स चेंज हो गए होंगे इसको क्या बोलना चाहिए स्टार इक्वेशन ओके तो बोलो बच्चों पहले लिमिट्स किसके लिए थे पहले लिमिट्स थीटा के लिए थे कहाँ से का तक थे जीरो से लेके पाई बाय फोर अब लिमिट्स किसके लिए टी के लिए चलो डालते हैं स्टार में डालो थीटा की वैल्यू जीरो डालो साइन जीरो जीरो ज़ीरो इंटू टू जीरो तो जीरो साइन स्क्वायर टी ज़ीरो कब आता है जब टी की वैल्यू क्या हो ज़ीरो समझ में आता है ओके उसके बाद में

पाई बाय टू यहाँ पे क्या लिखो बेटा पाई, पाई बाय टू अब पाई बाय टू लिमिट्स होने का फायदा आप जानते ही हो रिडक्शन फार्मूला आसान हो गया अभी दिस इज व्हाट रिडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा बोलो फोर ए अपॉन थ्री रूट टू बोलो फोर थ्री टू वन पाई बाय टू सही है चलो अब जो जो कैंसिल कर सकते हो कर लो फोर फोर विल गेट कैंसल आउट थ्री थ्री विल गेट कैंसल आउट सो वाट इज द आंसर पा ए अपॉन फोर रूट टू फोर रूट टू फोर रूट टू सही है बच्चों कौन सा स्टेप था स्टेप थ्री था स्टेप फोर आंसर आएगा डायरेक्टली स्टेप नंबर फोर बोलो क्या लिखू, सी जी सी जी हम जानते हैं सी जी क्या है एक्स बार कॉमा वाई बार एक्स बार की वैल्यू क्या है ये एक्स बार है पाई ए अपॉन फोर रूट टू और वाई बार हमने ऑलरेडी निकाला क्या है जीरो तो बच्चों मैं पूरा सम आपको एक बार लुक दिलवाता हूँ सबसे पहले सेंट्रल ऑफ द लूप ऑफ द कर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कर कौन है लेमनी स्केट उसके बाद में ये पोलर कर्व है तो ट्रिक क्या है बोलो सोने का पत्रा सिमेट्री सिमेट्री कर दिया रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा इक्वेशन रिमेन अनचेंज सो सिमेट्री अबाउट थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री लाइन दैट इज एक्स एक्सिस फिर पोल के लिए क्या क्या किया रिप्लेस थीटा बाय माइनस थीटा आर बाय माइनस आर इक्वेशन रिमेन अनचेंज सो जो अबाउट थीटा इक्वल टू पाई बाय बाई टू लाइन दैट इज वाई एक्सिस के अबाउट भी कर्व सिमेट्रिक है पोल करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो कर्व काउट्रेसिंग में इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करेगा टेबल टेबल के ऊपर से मैंने पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लोकेट किए ये कर्व ट्रेस किया ये कौन है डम्बल शेप कर बर्नौलीज ऑफ लेमनिस्केट उसके बाद में क्या करना है अब ये जो लूप है लूप है बच्चों इसमें कैसा है वाई बार ये ये पॉजिटिव लूप पॉजिटिव लूप क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेंड्रॉड का लाइक करता है एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे वाई बार क्या रहेगा जीरो तो वाई बार मेरा आ गया उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे एक्स बार फाइंड करेंगे एक्स बार कैसे फाइंड करेंगे डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स डी वाई अपन डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई ओके एक्स की जगह पर क्या बुट करना है आर कॉ सीटा वाई की जगह पर आर साइन डीटा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्वायर क्या आर स्क्वायर डी एस डीवाई की जगह पे आर डी आर डी तो देखो एक्स की जगह पे आर कॉस टीटा डी डीवाई की जगह पे आर डी आर डी नीचे डी एस डीवाई की जगह पे आर डी आर डी अब ये स्ट्रिप कहाँ से कहा था पोलर स्ट्रिप पोलर स्ट्रिप कैसी होगी आर इक्वल टू तो जीरो से लेके आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टू डीटा यानी आर की वैल्यू किया अंडर उस्ट टू डीटा ये स्ट्रिप कहाँ से काम करेगी माइनस फाइव फोर से लेके फाइव बाई फोर तो लिमिट्स भी आप लोगों को समझ में आ गया जीरो टू लेके कर तक और माइनस फाइव फोर टू फाइव बाई फोर ऊपर भी नीचे भी पे क्या किया आर इंटू आर आर स्क्वा किया बाकी सारी चीज है एज इट इज चीजें का इंटीग्रेशन कर लिया बच्चों लिमिट्स पे कॉन्स्टेंट नहीं है तो अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इनर लिमिट्स किसके लिए आर के लिए तो पहले इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर आर का इंटीग्रेशन आर क्यूब अपॉइंट थ्री आर का इंटीग्रेशन आर स्क्वाइट टू समझता है उसके बाद में अपर ये थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया ये टू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया लिमिट सिर्फ आर के लिए चलो आर के लिमिट जाले ये अंडर रूट है अंडर रूट मतलब रेस टू वन बाई टू

तो मैंने क्या कहा था ये थ्री बाय टू आप पूरे इसके लिए दे दो ताकि आगे कंफ्यूजन ना रहे कॉस टू थीटा एस टू थ्री बाय पूरे इसके लिए दो और नीचे कौन है अब यहाँ पे मैंने क्या किया था देखो बच्चों ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर ए क्यूब अपन ए स्क्र क्या रहता है ए ए बाहर आ जाएगा टू ए अपॉन थ्री रहेगा यहाँ पे लिमिट जीरो टू पाई बाई फोर क्यों है ये कॉस टू थीटा कॉस टू थीटा इवन फंक्शन है कॉस थीटा इवन फंक्शन है तो माइनस फाइव बाई फोर टू पाई बाई फोर को क्या ले सकते हैं ट्वाइस जीरो टू पाई बाई फोर ई फंक्शन होने के कारण ओके okay? और डायग्राम से भी समझ में आ रहा था ये सिमेट्रिक है तो किया जा सकता है तो इसके बाद में क्या किया बच्चों इसको रिड्यूस कर दिया इस फॉर्मेट में अब इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए टू साइंस स्क्वायर टीटा को क्या पुट किया साइंस स्क्वायटी टेकिंग स्क्वायर रूट रूट टू क्या आ गया साइन थीटा ये इसका रूट क्या आया साइन टी तो टेकिंग डायरेटिव रूट टू एजी साइन थीटा का डरेटिव थीटा डी थीटा साइन टी का डायरेटिव कॉस्टी डी टी रूट टू नीचे ले लो कॉस्टिडीटी अपन रूट टू यहाँ पे चेंजेस क्या हो गए वन माइनस टू साइंस डीटा टू साइंस डीटा के लिए क्या लिखा साइंस स्क्वायर टू साइंसा के लिए लिखा साइंस स्क्वायर टी रेस टू क्या है थ्री बाई टू थीटा डी थीटा के लिए क्या लिखा थीटा डी थीटा के लिए कॉस्टी डी टी अपन रूट टू कॉस्टी डी टी अपॉन रूट टू यहाँ पे बच्चों ये टू जो कॉन्सटेंट है वो बाहर चला गया है वन अपॉन टू ऊपर जाके क्या होगा इंटू टू होगा ऐसा हुआ है यहाँ पे लिमिट्स डाले गए साइन ऑफ टू इंटू फाइव बाय फोर इट इज जस्ट साइन पाइव बाई टू रोज साइन जीरो पे लिमिट जीरो टू पाई बाय फोर थे वो हो के क्या हो गया जीरो टू पाई बाय टू ये एक्सप्लेनेशन कहाँ पे आता है स्टार इक्वेशन में जीरो टू पाई बाय टू अब लिमिट्स हो गए टी स्क् और थ्री बाय टू का टू टू क्या हो गया कैंसिल इधर कौन है कॉस टी डी ये रूट टू कहा चला गया बाहर बाहर जाके वन अपॉइन रूट टू हो गया वो यहाँ पे कॉस बाई टू वन है साइन जीरो जीरो तक समझ में आ गया है बी ए टर्म एज इट इज लिख दिए

तो बच्चों फाइंड सी जी ऑफ द लूप ऑफ द कर वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स तो सबसे पहले इस कर को ट्रेस करना पड़ेगा ये किस टाइप का कर्व है कार्टेशियन कर्व है तो कार्टेशियन कर्व को ट्रेस करने के लिए मैंने ट्रिक दी है पहले शिवाजी नगर आता है फिर कौन आता है पिंपरी फिर आकोड़ी फिर रावेत एस फॉर सीमेट्री तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे बच्चा सीमेट्री सिमेट्री उसके बाद में कौन आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके बाद में कौन आएगा शिवाजी नगर पिंपरी उसके बाद में आकोड़ी आकोड़ी मतलब क्या ए असीम टोट वेरी गुड ए यानी असीम टोट आएगा असीम टोट असीम टोट के बाद क्या आता है बेटा फिर आता है रीजन ऑफ एबसेंस रीजन ऑफ एबसेंस मैं ट्रिक साइड में लिख के देता हूँ साइड में क्या है ट्रिक शिवाजी नगर फिर क्या था पिंपरी पुणे का मैप देखा जाए तो ऐसे रहता है पिंपरी पिंपरी के बाद आकुड़ी आता है आकुड़ी के बाद रावेत आता है तो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हैं कर ये कार्टेशियन कर्व में बोलो बच्चा सिमेट्री कैसे चेक होता है हाँ वाइक के सारे पावर इवन है क्या ah uh, yes. yes y all powers of y are even all powers of y are even are even so symmetric about are even so symmetric about so symmetric about एक्स एक्सिस ये कर जो है बच्चों अबाउट एक्सिस है एक्स के सारे पावर इवन है नहीं एक्स का पावर क्या है वन है एक्स का पावर टू है एक्स का पावर क्या वन है सारे इवन होने चाहिए तो एक्सिस्ट करती है नहीं तो नहीं तो ये यहमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दो तरह का है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कैसे करते बेटा वाई इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो पुट करूंगा मैं जीरो इंटू कुछ भी कर लो सब कुछ तबाह हो गया बर्बाद हो गया जीरो इंटू कुछ भी कर लो जीरो एक्स स्क्वायर इंटू क्या है बेटा ए माइनस एक्स तो एक्स इक्वल टू ज़ीरो है या फिर बोलो ए माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो है यानी एक्स इक्वल टू ज़ीरो और एक्स इक्वल टू क्या है ए तो y जब जीरो था तो x का वैल्यू क्या आया जीरो या ए तो जीरो एंड ए कॉमा जीरो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस समझ में आ रहे है? देखो वाई जीरो जीरो कॉमा जीरो एक्स ए है वाई जीरो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस तो बच्चों साइमल्टेनियसली अगर कर्व प्लॉट किया जाए तो कर्व कैसा रहेगा देखो मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है ये हमारी वाई एक्सिस है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन कौन सा है कर्व यहां से पास होगा जीरो कॉमा जीरो एंड ए कॉमा जीरो यहाँ से पास होगा कर्व किसको सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस को सिमेट्रिक है इसके बाद में बच्चों अगर ओरिजिन से पास होता है कर्व अच्छा ऑन वाई एक्सिस रह गया ना दो मिनट है बेटा ऑन वाई एक्सिस कैसे फाइंड करेंगे ऑन वाई एक्सिस बोलो पुट एक्स इक्वल टू जीरो x इक्ल टू जीरो पुट करेंगे चलो जीरो इंटू वाई वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस जीरो और यहाँ पे x की वैल्यू जीरो डालते ही सब कुछ क्या हो गया जीरो वाई स्क्वायर इंटू एक्वल टू यानी y क्या आ गया बेटा ज़ीरो क्लियरली एक ही है जीरो कॉमा ज़ीरो इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस तो y एक्सिस पे एक ही पॉइंट है जो कर्व पे लाई करता है उसका नाम क्या है बेटा जीरो कॉमा जीरो तो दो पॉइंट अगर है तो एक लूप फॉर्म होता है ये आपको मैंने सिखाया हुआ है लेकिन लूप कैसे फॉर्म होगा वो चेक करने के लिए सबसे पहले टैंजेंट पे कोई सॉरी ओरिजिन पे कोई टैंजेंट है वो चेक करना है तो एज ओरिजिन लाइज ऑन कर क्या लिखते हैं हम लोग एज ओरिजिन या कर लाइज ऑन ओरिजिन बोला तो भी चलेगा चाकू के ऊपर सेब रख दो या सेब के ऊपर चाकू रख दो सेम है एज ओरिजिन लाइज ऑन कर इक्वेशन ऑफ टैंगजेंट एट ओरिजिन इज गिवन बाय विच मेथड न्यूटन्स मेथड न्यूटन्स मेथड न्यूटन्स मेथड न्यूटन्स मेथड क्या कहता है ओके इक्वेट टू जीरो लोवेस्ट डिग्री इन एक्स एंड वाई ओके ये मेरे ख्याल से डिलीट कर देना चाहिए ये नहीं रहेगा हाँ सिम उठा लेते हैं या पे रखते हैं हाँ तो बोलो क्या लिखना चाहिए हाँ इक्वेट बोलो ना टू जीरो लोवेस्ट डिग्री टर्म इन एक्स एंड वाई लोएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स एंड वाई कैसे निकालेंगे रफ वर्क में निकालना पड़ेगा वो वाई स्क्वायर इंटू ए आएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्या आएगा वाई स्क्वायर एक्स आएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए आएगा एक्सक्वायर इंटू एक्स क्या आएगा एक्स क्यू <coughs> सही है ओके okay. अब असिम्प्टो ए टेंजेंट एट ओरिजिन क्या होता है इक्वेट टू जीरो लोएस्ट डिग्री टर्म इन एक्स एंड वाई ये डिग्री क्या है इसकी बोलो इसकी डिग्री टू डिग्री टू ओके okay. इसकी डिग्री क्या है थ्री कैसे है वाई की डिग्री टू एक्स की डिग्री वन टोटल डिग्री क्या होगी थ्री इसकी डिग्री क्या है टू 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 सिर्फ एक्स एंड वाई की डिग्री देखनी है ए कॉन्सटेंट है उसकी नहीं एक्स की डिग्री टू तो टू है इसकी डिग्री क्या है थ्री समझ में आ गया हाँ तो लोएस्ट डिग्री टर्म कौन है वाई स्क्वायर ए एक्सक्वायर ए एक्सक्वायर ए वो साइड जाएगा सही है तो मैंने क्या करना चाहिए बोलो वाई स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क् इसको किसको इक्वेट करना है जीरो सही है बेटा तो ए तो कॉन्स्टेंट बाहर आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो ए तो नीचे चला जाएगा बराबर है या फिर आप ऐसा कीजिए बच्चा वाई स्क्वायर ए इक्वल टू वाट एक्स स्क्वायर ए ए वुड जस्ट गेट कैंसल्ड आउट िजिन तो अब यह लाइन्स कैसे ट्रेस होते हैं मैं आपको समझा देता हूं वाई इक्वल टू एक्स लाइन क्या है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एट एन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री ये मैं थोड़ी देर के लिए दो मिनट लाइन पास होने वाली बात है इसलिए इसको थोड़ा सा बाजू में कर लिया तो ये जो है बच्चों ये क्या है टैंजेंट है इसका नाम क्या है वाई इक्वल टू एक्स लाइन उसके बाद में यहाँ पे भी एक टैंजेंट रहेगा इसका नाम क्या है वाई इक्वल टू माइनस एक्स आप समझ में आ रहा है करो कैसे ट्रेस हो रहा है साइमल्टेनियसली ट्रेस हो रहा है अब क्योंकि यहाँ पे दो ही पॉइंट्स है तो कर जरूर जो है बच्चों ऐसा होगा ये टेंजेंट है ना तो ये करो पे ऐसा यहाँ पे ऐसा ओके यहाँ पे राउंडेड रहेगा यहाँ पे एक टेंजेंट आएगा उस टेंजेंट का नाम क्या है ये कैसे आता है ऐसा फाय लास्ट टाइप हो टू आपको याद होगा यस ओके आगे।, आगे और संभावनाएं हम चेक करते हैं कर ट्रेसिंग में असीम रोड असीम रोड क्या होता है बच्चों बताइए ज़रा असीम रोड क्या है टेंजेंट एट इन्फिनिटी असिमटोट का मीनिंग क्या होता है टेंजेंट एट इंफिनिटी कर को टेंजेंट होता है वो एट इनिटी ब्रैकेट में लिख के देता हूँ आपके लिए टेंजेंट एट इंफिनिटी तो ये दो प्रकार का हो सकता है एक असिमटोट पैरल टू एक्स एक्सिस और दूसरा पैरल टू वाई एक्सिस पहला पैरल टू बोलो एक्स एक्सिस और दूसरा पैरेलल टू वाई एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक्स कैसा होता है स्टेटमेंट बोलो बच्चों इक्वेट को ऑफ बोलो ना बोलते भी नहीं हाईएस्ट डिग्री पावर ऑफ एक्स टू जीरो यहां पे क्या होता है इक्वेट बोलो ऑफ हाईएस्ट डिग्री पावर बोलो ऑफ वाई इक्वल टू जीरो तो हाईएस्ट डिग्री पावर ऑफ एक्स क्या है एक्स क्यूब एक्स क्यूब का क्वेश्चन कौन को है बेटा माइनस वन यहाँ पे कोई नहीं दिखाई दे रहा है? मतलब वन है ना वन भगवान हर जगह है गॉड इज एवरीवेयर यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस वन इक्वल टू जीरो पॉसिबल है क्या

तो वही डिस्टेंस क्या रहेगा सही है तो यहां से वो लाइन पास होगी इस लाइन का नाम क्या है बच्चों ये लाइन का नाम क्या है एक्स इक्वल टू माइनस है ये पैरल टू क्या है वाई एक्सिस और ये कर को असीम टोट है कर को असीम टोट है मतलब कर कैसे निकलेगा देखो ये इसको टच करेगा लेकिन कहां पे? नीचे एट इंफिनिटी यहां पे भी ये इसको टच करेगा लेकिन कहां पे ऊपर एट इंफिनिटी तो इस तरह से ये कवर ऐसे दिखाई देता है इसमें एक लास्ट पॉइंट रह गया है वो भी मैं कवर कर लेता हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए कौन है रीजन ऑफ तो रीजन ऑफ एब्सेंस मैं आपको सिखा देता हूं रीजन ऑफ

वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव फॉर पहला किसके लिए दूसरा किसके लिए तीसरा किसके लिए हमें फाइंड करना है चलो चेक करते हैं बच्चों एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो इसको तो बख्श दो तो। एक्स की वैल्यू नेगेटिव भी रहे तो भी नेगेटिव का स्क्वायर क्या रहता है पॉजिटिव तो ए माइनस एक्स यस हो सकता है जब ए माइनस एक्स खुद नेगेटिव हो तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा नेगेटिव तो पहला क्या है ए माइनस एक्स खुद नेगेटिव हो मतलब लेस देन जीरो हो यानी ए लेस देन एक्स हो यानी एक्स क्या होगा ग्रेटर देन तो ये पहला केस है दूसरा जब ए प्लस एक्स खुद लेस देन जीरो हो लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव तब वाइस का नेगेटिव हो सकता है यानी क्या ए या फिर एक्स इधर रहने दो माइनस ए सही है तो ये दो रीजन है जहां पे वो नेगेटिव हो सकते हैं दो ही रीजन है तो मैं लिख देता हूं बच्चों आपके लिए अच्छे से तीसरा नहीं है बोलो पहला फॉर एक्स एक्स ग्रेटर देन देन ए ए एंड लेस माइनस पे स्क्वायर क्या है नेगेटिव है यानी वाई क्या है अंडर रूट ऑफ नेगेटिव है यानी वाई क्या है इमेजिनरी है सो इन दिस रीजन सो इन दिस रीजन देर इज वाट रीजन ऑफ एपस प्रेजेंट नहीं है ए यहाँ पे तो एक प्रेजेंट है क्या मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कवर प्रेजेंट है यहाँ पे कर नहीं है एक्स ग्रेटर देन है यहाँ पे कर प्रेजेंट नहीं है यहां पर रीजन ऑफ एप्स है उसके बाद में एक्स लेस देन माइनस है ये देखो यहाँ पे ये, ये है ना माइनस है एक्सिक्वल टू माइनस है तो ये पॉइंट क्या हुआ माइनस एक ओमा जीरो रीजन ऑफ एब्सेंस इस तरह से अब तक मैंने सिर्फ क्या किया है ट्रेस किया है बच्चों ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए डिटेल में लिखा आप यहां पे जितने चाहे उतने शॉर्टकट एग्जाम में ले सकते हैं क्योंकि इस चीज को सिर्फ एक मार्क्स है ओनली वन मार्क्स यहाँ तक जो किया अब मुझे फाइंड सीजी ऑफ लूप ऑफ द कर्व लूप का सी जी फाइन करना है तो बच्चों ये मेरा कर्व है सही है आप अब कॉमन सेंस यूज करके मेरे को बताएंगे इसका सी जी का लाई करेगा बोलिए तो स्टेप नंबर बोलिए बच्चा स्टेप टू क्लियरली सी जी ऑफ वन लूप लाइज ऑन एक्सएक्सिस राइट ऑन एक्स एक्सिस इट इम्प्लाइज दैट वाई बार इज वाट जीरो तो एक आंसर तो आ गया इस सेंटेंस को एक मार्क्स है यहां तक एक मार्क्स है यहां तक और एक मार्क्स है मजा आया अब स्टेप थ्री क्या करेंगे बेटा बोलिए बोलिए अब वाई बार आ गया तो एक्स बार फाइन करना पड़ेगा ये एरिया है प्लेन लैमिन है एक्सबार का फॉर्मूला बोलिए डबल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx dy अपॉन डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy बच्चों यहां पे क्या कन्वीनियंट लगता है आपको पोलर स्ट्रिप मेरे को तो कन्वीनियंट लगता है आपको क्या लगता है पोलर स्ट्रिप भी कन्वीनियंट है और दूसरा कौन सा स्ट्रिप कन्वीनियंट है यहां पे वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप भी कन्वीनियंट है क्योंकि ये एक्स एंड वाई के टर्म्स में एक्स एंड वाई के टर्म्स में तो मैं यहां पे आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेके करके दिखाता हूं कौन सी स्ट्रिप वर्टिकल स्ट्रिप मैं अगर हाफ पार्ट के लिए करूँ तो वही एप्लीकेबल पूरे पार्ट के लिए रहेगा तो मैं वर्टिकल स्ट्रिप ले लेता हूँ और ये आपको करके दिखाता हूँ आप क्या कीजिए यहाँ तक लिख लीजिए उसके बाद में पॉज करके लिख लीजिए उसके बाद में आप देखते हैं तो बच्चों यहाँ पे लिमिट्स कैसे लेंगे वर्टिकल स्ट्रिप लिए हाफ पार्ट के लिए नीचे का लिमिट वाई इकल टू जीरो ऊपर का वाई स्क्कुल टू एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स तो वाई क्या आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क् ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स तो बच्चों ये सिमेट्रिक है तो मैं क्या करूँगा देखो टू से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे भी टू से क्योंकि हाफ पार्ट का मैं निकाल रहा हूँ तो पूरे पार्ट का निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगा टू से लिमिट्स कहाँ से कहा तक वाई के इनर लिमिट्स वाई के लिए आउटर लिमिट्स एक्स के क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं इनर लिमिट्स वाई के, के लिए है आउटर लिमिट्स एक्स के लिए है एक्स यहाँ पे वाई चलो बच्चों तो मैं कर देता हूँ वाई की वैल्यू ज़ीरो से लेके अंडर रुट ऑफ स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स यहाँ पे ज़ीरो से लेके फिर से एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स अपऑन ए प्लस एक्स और एक्स ट्रिप विल ऑलवेज मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेफ्ट में एक्स की वैल्यू जीरो राइट right में ए तो जीरो टू ए जीरो टू ए इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये पार्ट डिलीट कर देता हूँ जो रिक्वायर्ड नहीं है चल इंटीग्रेशन करते हैं इसके आगे का विल आई डू दैट बच्चों सबसे पहले तो ये टू टू क्या हो जाएगा कैंसिल ओके okay, ये अंदर क्या लिखना रह गया है अंदर क्या लिखना रहेगा एक्स डी एक्स डी वाई यहाँ पे कौन है डी एक्स डी वाई तो बच्चों इनर लिमिट्स आर ऑफ y तो इंटीग्रेशन इनिशियली विथ विल बी विथ रिस्पेक्ट टू वाट y तो डीवाई का इंटीग्रेशन क्या रहेगा y लिमिट्स कहाँ से कह रहे जीरो टू अंडर ऑफ बोलो एक्सक्वा ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और वो जो एक्स है वो यहाँ पे लिखता हो इंटू डी एक्स यहाँ पे इंटीग्रेशन जीरो टू ए इंटीग्रेशन जीरो टू ए बोलो डीवाई का इंटीग्रेशन वाई लिमिट्स जीरो टू अंडर उड ऑफ एक्स स्क्वायर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स सही है इंटू डी एक्स अब लिमिट्स अप्लाई कर देते बच्चों इंटीग्रेशन जीरो टू ए आप जानते हैं सिर्फ अपर लिमिट का महत्व है लोअर लिमिट तो जीरो है, ज़ीरो नहीं लिखा तो भी चलेगा तो एक्स इंटू ये क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ एक्स बोलो बच्चा। ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स और डिनोमिनेटर में क्या है लिमिट जीरो अंडर उपॉन ए प्लस एक्स इंटू डी एक्स इसके बाद में अब कुछ बच्चे देखो नालायक रहते क्या सोचते हैं ये डी एक्स डी एक्स कैंसल ये ये कैंसिल ये ये कैंसिल एक्स आ गया ऐसा नहीं रहता आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी और नीचे भी इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जिसके साथ एक्स है वो कॉन्सटेंट नहीं है और वो टर्म कैंसिल नहीं हो सकते इंटीग्रेशन किए बिना वो टर्म्स जो है वो कैंसिल नहीं हो सकते इसके बाद में बच्चों देखो अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये कैसे रहेगा इंटीग्रेशन ज़ीरो टू ए Under root of x square क्या रहता है एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अंड रूट ऑफ एक्सक्वायर एक्स एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और यहां पे क्या बचेगा बेटा सिर्फ ए माइनस एक्स ए माइनस एक्स अपन ए प्लस एक्स सही है ए माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस आप चाहिए तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ यहां पे x इंटू क्या करूँ x ओके okay? ये x कहाँ से आया ये अंडर रूट से उठ के आया ओके यहाँ पे नीचे इंटीग्रेशन जीरो बोलिए बोलिए अंडर रूट ऑफ एक्स क्या आएगा सिर्फ एक्स यहाँ पे अंडर रूट के अंदर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स यहाँ पे डी एक्स चाहिए यहाँ पे कौन चाहिए डीएक्स अब बच्चों मैं आपको एक आइडिया देता हूं आप क्या करना इधर ए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी ए प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करो या फिर नीचे वाले के कॉन्जिगेट लेना चाहिए नीचे वाले का नीचे अगर ए प्लस एक्स है तो ऊपर क्या लेना चाहिए ए माइनस एक्स और इधर क्या ए माइनस एक्स नीचे बोलो ए माइनस एक्स इन टू ए माइनस एक्स ऐसा करने से क्या फायदा होगा फायदा देखो फायदा देखो हाँ इंटीग्रेशन जीरो टू ए एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्स एक्स इंटू ए माइनस एक्स क्या रहता है ए माइनस एक्स का स्क्वायर तो अंडर रूट वहां पे लागू होगा नहीं क्या बचेगा सिर्फ ए माइनस एक्स अरे माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ ए माइनस एक्स रहता है ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस है उसके बाद में इंटीग्रेशन जीरो स्क्वायर इधर भी सेम ए माइनस एक्स इंटू एक्स ए माइनस एक्स का स्क्वायर यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ ए माइनस एक्स और नीचे क्या रह गया अंडर उन्टू डी एक्स एक गलती से एक्स स्क्वायर लिख दिया एक्स ये यहाँ पे चलो हो गया अब इतना हो जाने के बाद मैं ये पार्ट इरेज कर देता हूं अब क्या करना चाहिए put x equal to a sin t. ऐसा क्यों करना चाहते हो? x की जगह पे a साइन टी क्योंकि a साइन टी अगर पुट किया ए स्क्वा स्क्वायर कॉमन वन माइनस साइन स्क्टी क्या हो जाएगा t वो फायदा है तो dx इक्वल टू क्या पुट करना चाहिए बोलो a साइन टी का डेरेडियो कॉस्टी डी टी इसको स्टार बोल देता हूं अब लिमिट्स चेंज होने वाले हैं लिमिट्स कैसे चेंज होंगे बताओ मेरे को बच्चों लिमिट्स पहले किसके लिए थे एक्स के लिए थे जीरो से लेके ए तक अब टी के लिए रहेंगे बोलो एक्स की वैल्यू जीरो डालो जीरो टू ए टी, ए नीचे गया तो जीरो टी कब जीरो जब टी का वैल्यू जीरो अब एक्स का वैल्यू ए डालो ए डिवाइड बाई ए वन वन इक्वल टू कब वन होता है जब टी टी की वैल्यू पाए बाय टू ये जमता है ओके अब लिमिट्स चेंज हो जाएंगे जीरो टू ई टू बोलो बच्चों एक्स की जगह पे क्या डालू ए साइन टी का स्क्वायर इधर बोलो बेटा ए माइनस एक्स की जगह पे ए टी डिवाइडेड बाय अंडर ऑफ बोलो बच्चा ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे ए टी का होल स्क्वायर सही है ओके चलो बच्चों हाँ यहाँ पे क्या डालो डी एक्स की जगह पे डी एक्स की जगह पे ए कॉस्टी डी टी नीचे बोलो इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाय टू यहाँ पे क्या लिखो ए स्क्वायर एक्स की जगह पे सॉरी एक्स की जगह पे क्या डालना है ए साइन टी इधर बोलो बेटा ए माइनस ए साइन टी सही है, डिवाइडेड बाय अंडर बोलो ए स्क्वायर माइनस ए साइन टी का स्क्वायर और dx की जगह पे बोलो ए cos डी टी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, सही है, ओके, इसको नीचे भी लेके आए तो भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं को नीचे ही लेके आते हैं सही है ओके ओके चलो फिर अभी यहां पे कैसे करेंगे लिमिट्स कहां से कहा था क्या जीरो टू पाई बाय टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी रहेगा यहां पे क्या रहेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी रहेगा ऊपर कौन है ए कॉमन ले लो अंदर क्या रहेगा बोला वन माइनस t। नीचे जो है बच्चों, देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन ले लो अंदर क्या रहेगा वन माइनस साइंस स्क्वायर टी आप समझ रहे हो क्या ए स्क्वायर माइनस ए साइंटी स्क्वायर इसमें ए स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन ले लिया अंदर क्या रहेगा वन माइनस साइंस स्क्वायर टी और ऊपर कौन है ए कॉस्टी इंटू डी टी है नीचे क्या रहेगा बोलो बच्चा इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई बाई टू यहाँ पे कौन है ए टी है इस न्यूमरेटर में ए कॉमन ले लो अंदर क्या रहेगा वन माइनस टी डिनोमिनेटर में बोलो बच्चा ए स्क्वायर इसके पास भी ए स्क्वायर इसके पास भी ए स्क्वायर कॉमन आ गया बोलो अंदर क्या रहेगा वन माइनस साइन स्क्वायर टी इन टू क्या ए कॉस्टी डी टी नाउ रीजन टू स्माइल ये टर्म ये टर्म कैंसिल हो सकता है क्यू ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या है ए देखो ए ए क्या हो गया कैंसिल वन माइनस साइंस स्क्वायर टी क्या है कॉस्क्वायर टी और अंडर रूट ऑफ कॉस्टी क्या है कॉस्टी तो ये कॉस्टी और कॉस्टी कैंसिल किस किस को समझ में आया ये आगे कैरी करना फिर स्क्वायर रूट लेना दो तीन स्टेप बढ़ जाएंगे और कितना लिखना पड़ेगा तो डायरेक्ट किया तो अच्छा है आप अगर सोच सकते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप अच्छे बच्चे हो इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू बोलो बच्चों ए स्क्वायर इंटू ए ए क्यूब ए क्यूब ले लेते हैं या फिर इसको कैसे लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू ए बाहर ले लेते हैं यहां पे ए इंटू ए बाहर ले लेते हैं, चलेगा इंटीग्रेशन जीरो टू फाइव बाई टू यहां पे क्या है बेटा साइन स्क्वायर टी इंटू क्या है वन माइनस साइन टी डी टी सही है यहां पे क्या है बोलो ए, ए बाहर निकलिया ए नीचे कैंसिल करना रह गया क्या मेरा ये टर्म ये टर्म क्या हो गया कैंसल ए इंटू ए बाहर इधर क्या रहेगा बोलो साइन टी इंटू वन माइनस साइन टी इंटू डी टी अब बच्चों आपने मुझे बताना है यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा ए इंटू ए ए स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर और यहाँ का ए स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल ए इन टू ए स्क्वायर और यहाँ का ए स्क्वायर कैंसल ऊपर क्या रहेगा सिर्फ ए ऊपर रहेगा ओनली ए इसको थोड़ा और छोटा कर देते बोलो बच्चों यहाँ पे ऊपर रहेगा ए इंटीग्रेशन ज़ीरो टू पाई बाय टू आप बताएंगे अभी साइंस स्क्वायर टी इन वन क्या रहेगा साइन स्क्वायर टी साइंस स्क्वायर टी इन साइन टी बोलो साइन क्यू टी द होल थिंग इंटू क्या है डी टी और नीचे जो है बच्चों वो क्या है इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू बोलो साइन टी इन टू वन साइन टी माइनस साइन स्क्वायर टी द होल थिंग इनटू क्या है बेटा डी टी समझ में आ रहा है अब देखो ए एज इट इज इंटीग्रेशन रुको इधर बैठेगा नहीं देखो ए एज इट इज ए एज इट इज इंटीग्रेशन किसका ले रहा हूं साइन स्क्वायर या साइन क्यूब साइन स्क्वायर टी डी टी लिमिट जीरो टू पाई बाई टू इधर माइनस साइन इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन डी टी, टी अलग समझ में आया आपको मैंने इसका इंटीग्रेशन अलग इसका इंटीग्रेशन अलग नीचे डिवाइड बाय बोलो बेटा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू ये कौन है साइन टी डी टी माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाय टू बोलो साइन स्क्वायर टी डी टी अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे साइन स्क्वायर टी का रिडक्शन फॉर्मूला बोलो टू वन पाई बाय टू साइन क्यूब टी का बोलो थ्री टू और यहां पे कौन है वन ये ऑड होने के कारण टू से मल्टीप्लाई नहीं होता ये इवन है ना साइन स्क्वायर टू इवन है तो फाइव बाई टू से मल्टीप्लाई होता है नीचे बोलो साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस्टी लिमिट जीरो टू फाइव बाई टू माइनस बोलो बेटा साइन स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन टू वन फाइव बाई टू सही है आंसर आ गया ए π बाय फोर माइनस टू बाय थ्री नीचे क्या है कॉस π बाई टू कॉस फाइव बाई टू क्या रहता है वन तो माइनस वन माइनस साइन है कॉस π बाई टू क्या है जीरो तो माइनस जीरो जीरो ही रहता है तो सिर्फ जीरो लिखो जीरो माइनस ऑफ माइनस वन क्योंकि कॉस जीरो क्या है वन तो so ये माइनस ऑफ माइनस वन क्या हुआ वन ओके okay. यहाँ पे कौन है माइनस पाई बाय फोर सही है बेटा माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन तो ए इंटू बोलो बच्चा पाई बाय फोर माइनस टू बाय थ्री और नीचे कौन है माइनस ऑफ माइनस वन प्लस वन वन माइनस पाई बाय फोर सही है अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको सिंपलीफाई करते हैं बोलो सिम्प्लीफाई कैसे करेंगे बोलो ए इंटू थ्री पाए माइनस टू फोर जा एट डिवाइडेड बाय फोर थ्री जा ट्वेल्व या फिर फोर इंटू थ्री रहना तो है ना तो होल थिंग डिवाइडेड बाय बोलो बच्चों फोर इंटू वन फोर माइनस पाए डिवाइडेड बाय क्या है फोर तो या पे फिर से कौन कौन कैंसल फोर फोर विल गेट कैंसल थ्री का आ जाएगा नीचे तो आंसर आ गया आंसर क्या आया ए डिवाइड बाय थ्री थ्री पाए माइनस एट डिवाइड बाय फोर माइनस फाइव दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट एक्स बार और वाई बार हमारे पास ऑलरेडी है मैं चेक कर ले तो ये आंसर सही है क्या ए बाई थ्री सही है थ्री पाई माइनस एट सही है फोर माइनस फाइव सही है तो लास्ट स्टेप लास्ट स्टेप क्या लिखूंगा स्टेप फोर सी जी सी जी इज इक्वल टू बोलो एक्स बार कॉमा वाई बार एक्स बार की वैल्यू क्या है बोलो ए बाय थ्री थ्री पाए माइनस एट फोर माइनस पाई ए बाय थ्री थ्री पाए माइनस एट डिवाइड बाय फोर माइनस पाई कॉमा जीरो दिस इज दी जी एंड दिस इज माई फाइनल आंसर तो बच्चों इस तरह से आपको ये करना पड़ता है यहाँ पे एक चीज़ रह गया था मेरा क्या रह गया था x dx एक्स लिखना रह गया था और यहाँ पे कौन है dy वाई okay. ओके सही है अभी यस yes. ये देखो कितना कहाँ से शुरू हुआ सबसे पहला स्टेप क्या किया कर को ट्रेस किया सोने का पत्रा उसके बाद में नेक्स्ट क्या किया कॉर बनाया कौर सीमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है तो सी जी कहाँ पर लाई करेगा क्लियरली एक्स एक्सिस ओके उसके बाद मैं एक्स एक्सिस पे लाई करता तो वाई बार जीरो एक्स बार के लिए फार्मूला यूज़ किया डबल इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डी वाई डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई वर्टिकल स्ट्रिप ली, वर्टिकल स्ट्रिप हाफ पार्ट के लिए और एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दिया टू से है. क्योंकि सॉल्व है है. किया इंटीग्रेशन एक्स बार आ गया एक्स बार कॉमा वाई बार इज द वैल्यू ऑफ सी जी तो इस तरह से इसको करते हैं